बॉलीवुड इंडस्ट्री में धमाल मचाने के लिए दो नए चेहरे हम सबके सामने आ रहे हैं, जिनका नाम है करण देओल और सहर बांबा, जो अपनी एक नई मूवी लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है पल पल दिल के पास। हमारे साथ आज दोनों लोग मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आज लखनऊ में, करण जी और सहर जी। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। कैसा लगता है, आप लखनऊ में आए हैं, नवाबों का शहर माना जाता है, तो कितना रिलैक्स यहाँ पर मिलता है आप लोगों को? रिलैक्स इतनी अभी प्रमोशन में टेंशन में है, ऊपर नीचे, तो अच्छा है, अच्छा, एक अच्छी जगह है, रिलैक्सफुल है, लेड बैक है, तो अभी एक दो घंटे के लिए एटलीस्ट मैं आराम कर पाया यहाँ आके, तो वो एक अच्छी फीलिंग है। करण जी, पल पल दिल के पास से आप इंडस्ट्री में कदम रखने जा रहे हैं, इस मूवी के बारे में बताएं किस तरह का रोल है आपका? मेरा रोल, मैं तो एक हिमाचल का कैरेक्टर खेल रहा हूँ, लड़का वहाँ से ही है, वो एक एडवेंचर कैंप और होम स्टे रन करता है और फिर अलग अलग ग्रुप्स और सोलो लोग को एक्सपेडिशंस पे लेके जाता है अलग अलग माउंटेन्स पीक्स पे, तो बहुत ही इजी गोइंग है और वहाँ पे कहते हैं कि आधा भी ज़्यादा है, तो अपने दुनिया में वो खुश रहते हैं। और मेरा कैरेक्टर भी अब नेचर और एडवेंचर के साथ बहुत प्यार है उसका, तो ऐसी सिंपल गोइंग लविंग। मुझे क्या लगता है आपको कि स्टार किड्स होने के फ़ायदे हैं या नुकसान हैं? देखिए, सब जिंदगी में सब चीज़ें के एक नुकसान होता है, एक फ़ायदा होता है, तो और उसके क्या कहूँ, मेरी जो चाइल्डहुड है आप देखोगे तो मेरी चाइल्डहुड इतनी अच्छी नहीं थी, लोग मेरे मजाक उड़ाते थे, मुझे बोलते थे अंग्रेज़ क्योंकि मेरी मम्मी लंदन से है, या बोलते थे कि सिर्फ तू अपना पापा का डैड का चेक साइन करेगा, ये भी बोलेगे तू क्या एक्टर बनेगा, तू कुछ बोलता नहीं है क्लास में, तू शाई किड है, क्योंकि हर आदमी का अपना ओन पर्सनल स्ट्रगल होता है, जैसे आपका स्ट्रगल अलग होगा, मेरा स्ट्रगल भी अलग था। एक्टिंग के बारे में आपसे जानना चाहेंगे सर, आप एक्टिंग सीखने बाहर गए थे, क्योंकि एक तरह से कह सकते हैं आपके यहाँ एक्टिंग का खुद ही स्कूल है, धर्मेंद्र जी, सनी देओल जी, बॉबी देओल जी खुद आपके घर में हैं, तो कुछ शेयर करें कि किस तरह से आपने अपनी एक्टिंग को सीखा। देखिए, दादा ऑलवेज कहते हैं कि एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट रिएक्टिंग, जैसे आप बात कर रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपका सुन रहा हूँ और आपको एक जवाब दे रहा हूँ, तो ऐसे सिंपल रिएक्शन है, और उनके उम्र में भी वो बोलते अब तक भी मैं ये चीज़ें एक्टिंग में सीख रहा हूँ, उनकी ग्रोथ ख़त्म नहीं हुई है, तो एक्चुअली एक्टिंग में क्या बोलूँ, एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट डूइंग, और जितना करोगे उतना ही आप ग्रो करोगे, तो जितना मैंने भी सीखा था, जब ये कैमरा के सामने आ गया था फाइनली, सब कुछ बाहर निकल गया था, और एंड इट्स ऑल अबाउट डूइंग इन द मोमेंट बेसिकली। पल पल दिल के पास की लीड एक्ट्रेस सहर बांबा भी हमारे साथ है। मैम, आप शिमला से बिलोंग करती हैं, मुंबई में आप आई, आपने काफ़ी स्ट्रगल किया है, 4 साल तक आप मुंबई आती रहीं, फिर उसके बाद आपको मिस फ्रेश का एक अवार्ड मिला, जिसके बाद शायद सनी देओल जी ने आपको कह सकते हैं कि उन्होंने देखा, फिर उसके बाद उन्होंने आपको बुलाया, इस जर्नी के बारे में कुछ बताइए। नहीं, थोड़ा सा ट्वीकिंग है, मैं क्लियर करना चाहूँगी कि मैं कॉलेज में पढ़ रही थी एंड उसके बाद से मेरा स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, मैं इधर उधर ऑडिशन देने जाती थी एंड जो पैजेंट, जैसा कि आपने मेंशन किया, जब मैं उसके बाद जीती तो तब सनी सर ने स्पॉट नहीं किया था। व्हाट हैपेंड वाज कि उसी दौरान ऑडिशंस चल रहे थे, तो मुझे कास्टिंग डायरेक्टर से फ़ोन आया कि ऑडिशंस चल रहे हैं, तो क्या आप भी आके एक बारी ट्राई करना चाहेंगी? तो आई सेड मोस्ट डेफिनेटली एंड आई गेव माई 200% और काफ़ी राउंड्स हुए ऑडिशंस के, जो लास्ट राउंड था तब सनी सर ने खुद डायरेक्ट किया था एंड उसके बाद 1-1.5 हफ्ते के बाद मुझे पता चला दैट मैं सिलेक्ट हो गई। सनी देओल और करण देओल में क्या फ़र्क देखती हैं? आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं, जब मैं इनको एक्शन करते हुए भी देखती हूँ, आई फील ये इनके खून में है, इनके DNA में है एंड डिफरेंस तो ज़्यादा कुछ है नहीं, आई थिंक दे वेरी आइडेंटिकल एंड काफ़ी एक जैसे हैं ये दोनों। जब आप लोग शूट के लिए गई थी तो जैसा पता चला है कि आप लोगों ने 1 महीने मुलाकात बातचीत नहीं हुई थी, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, जैसा कि मैंने पहले कहा, ऐसा नहीं कि बातचीत नहीं हुई थी, बातचीत हुई थी, लेकिन हम जिसको कहते हैं ओवरनाइट दोस्त नहीं बन गए थे एंड विच हैपन्स विद एवरीवन, कोई भी आपका दोस्त हो, उसको जानने के लिए और उसको दोस्त बुलाने के लिए कुछ वक्त लगता है, तो हमें भी वो थोड़ा वक्त लगा और 1 महीना ही लगा एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी नॉर्मल टाइम एक दूसरे को जानने के लिए और दोस्त बनने के लिए। किस तरह का रोल है इसमें? मेरा, आई एम प्लेइंग अ व्लॉगर इन द फिल्म, जो दिल्ली की लड़की प्ले कर रही हूँ मैं, और जैसा कि इन्होंने कहा ये कैंप चलाते हैं मनाली में, और कैसे मेरा कैरेक्टर मनाली जाता है विद एन एजेंडा कि मैं एक्सपोज करूँगी इसे और ये स्कैम चला रहा है और ये इतने पैसे चार्ज क्यों कर रहा है एंड उसके बाद मैं कैसे एज अ पर्सन चेंज होती हूँ उन 7 दिनों में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का R9 TV से बात करने के लिए और R9 TV की तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको आपकी मूवी के लिए। तो हमारे साथ थे करण देओल और सहर बांबा, जो इस मूवी से बॉलीवुड में एंट्री करने जा रहे हैं, जिनका कहना ये है कि लोगों को ये मूवी जरूर पसंद आएगी, तो आप लोग भी ये मूवी देखने जरूर जाएं। संदीप खे, कैमरा पर्सन प्रियांश के साथ R9 TV लखनऊ।